कर्नाटक की जनता को गृह मंत्री अमित शाह ने धन्यवाद दिया है और गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि कर्नाटक की जनता ने लंबे वक्त तक हमें काम करने का मौका दिया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ वो बधाई भी कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, बीजेपी को लंबे समय तक अवसर देने के लिए धन्यवाद, मोदी सरकार कर्नाटक के हित में काम करती रहेगी। डबल इंजन का दम भरने के बाद अब जब कांग्रेस की जीत हुई है तो गृह मंत्री ने ये कहा है कि हम फिर भी कर्नाटक की जनता के लिए काम करते रहेंगे और कर्नाटक की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने लंबे समय तक हमें काम करने का मौका दिया। देखिए, जो इतने सारे गारंटीज और इतने सारे यहाँ की फ्री राइड, ये फ्री राइड, वो फ्री राइड, उन सबको देना, मैनेज करना सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह जाएगा या अभय जी आप उसको कर पाएंगे? राजस्थान की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। आप तो खुद राजस्थान पे अपने संवाददाता से पूछिए, वसुंधरा जी 6,000 करोड़ रुपए छोड़ गई थी प्रॉमिस करके किसानों का, वो भी अशोक गहलोत साहब ने माफ किया। इन्होंने मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह जी से अनाउंसमेंट कराया था 50,000 रुपए का कर्ज माफ करेंगे 2008 में, चुनाव जीतने के बाद वो भूल गए। अब छोड़िए, देश की जनता को, राज्यों की जनता को क्या लग रहा है कि एक और प्रधानमंत्री जी जो जनहित के काम कर रही है उसको रेवड़ियां बता रहे हैं हम? अगर लोगों को इस महंगाई में राहत पहुंचाना चाहते हैं अंजना जी, तो प्रधानमंत्री जी उसको रेवड़ी निरूपित कर रहे हैं, जबकि रेवड़िया क्या है कि 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स इस केंद्र की सत्ता की सरपरस्ती में लूट कर भाग जाएं, नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय माल्या, तो लोगों को लगता है कि ये रेवड़ी है, नहीं मेवा खिला रहे हैं। अगर 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी के 99% का हेयर कट देकर फायदा पहुंचा दें, ये रेवड़ियां हैं। 10,00,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ करें, ये रेवड़ियां हैं। या जो राहुल जी कह रहे हैं कि अपने धन्ना सेठ दोस्तों को विश्व का दूसरा नंबर का धनपति बना दिया और किसान की आमदनी 27 रुपए, कर्नाटक की जनता ने अडानी के मुद्दे पे वोट दिया आपको? सारे ये समग्रता से सब मुद्दे थे, महंगाई था, बेरोजगारी था, संसाधनों की लूट थी और हमारी गारंटी थी। जवाब दीजिए, और ये क्या आप नहीं मानते कि विपक्ष को इससे ताकत मिलेगी? ये कर्नाटक की जीत कोई छोटी सी जीत नहीं है गौरव जी, 136 सीटों के साथ वो जीत रहे हैं और आप 65 पे सिमटे हैं। यहाँ से विपक्ष को 24 के लिए जीत नहीं मिलेगी, क्या एक ताकत नहीं मिलेगी, आर पार की लड़ाई नहीं बनेगी? अंजना जी, दोनों बातों का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तथ्यों में कैसे, देखिए यहाँ भी अनर्गल बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, जो नेशनल एवरेज है ये करीब 7.5% था, ये अप्रैल का आंकड़ा है 2023। कर्नाटका में कितना है? 2.3, पहला झूठ। दूसरा, इन्होंने ईवीएम और वीवीपैट की बात करी, जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें वीवीपैट मशीन 100% एक्यूरेसी थी उसमें, इसीलिए ये सवाल पूछा गया। आज ईवीएम और वीवीपैट ठीक है या खराब है, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लोकतंत्र जिंदा है, इन्होंने बताया नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप याद करिए 2018 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीन प्रदेशों में चुनाव हुए, हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, सरकार तीनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की तब बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2019 का चुनाव आया और 303 सीटें आई, दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार आई, श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं ये कहूंगा, जीत जीत होती है लेकिन अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता है। और केवल थोड़ा सा आपको भी चाहिए कि विनम्रता से अपनी बात रखे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी जब आपको बधाई दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के बता रहे हैं कि कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये किया। आप क्यों ऐसा करते हैं? प्रधानमंत्री जी प्रियंका वाड्रा को बेटी बुलाते हैं तो वो कहती है नरेंद्र मोदी जी नीच राजनीति करते हैं। बिना गाली गलौज के मर्यादा में रहते हुए भी तो मुद्दों की राजनीति हो सकती है, गाली देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जहरीला सांप कहना ये सब उचित नहीं है। आज परिणाम आने के बाद भी इतनी गुजारे जरूर करेंगे, मुद्दों पे लड़ाई रखिए लेकिन गाली गलौज अपशब्द इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है। क्या 24 के लिए यहां से ताकत मिलेगी विपक्ष को? ममता बनर्जी का पिच आपने संजय जी देख लिया है, पॉलिटिक्स को आप हर राज्य में फॉलो कर रहे हैं, क्या इससे ताकत मिलेगी कि 136 की ये विक्ट्री है? राहुल गांधी या कौन सा लीडर पूरे विपक्ष के कुनबे को लीड करेगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल। क्या राहुल गांधी की उस दावेदारी को बल मिलेगा यहाँ से 136 से? अंजना जी, मुझे लगता है ताकत मिले या ना मिले, मनोबल तो जरूर मिला है, मनोबल बढ़ा ऊंचा हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है और विपक्षी पार्टियां जिसका आप जिक्र कर रही हैं
उनको भी ये लगने लगा है कि हाँ प्रधान बीजेपी को हराया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जो ये जो एक मिथ बना हुआ था कि बीजेपी को आप हरा नहीं सकते, वो पंक्चर होता हुआ दिखता है। तो इससे कुछ ना कुछ तो फायदा विपक्ष के फेवर में जाता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी को एज कैंडिडेट ऑफ ऑपोजिशन। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये संकट दूर नहीं हो रहा है कि आप विपक्ष को एक साथ ला सकते हैं या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की अब पोस्चरिंग और स्टिफ होगी और उसके कारण क्या स्टिफ पोस्चरिंग के कारण वो विपक्ष की जो पार्टियां, कम से कम दो पार्टियों का जिक्र जरूर करना चाहिए, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, जिन्होंने बहुत पहले से और हाल ही में बीजेडी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। बीआरएस ने भी कहा था। तो अब कांग्रेस और स्ट्रांग हो रही है तो ये जो संकट है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने का, वो दूर होता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। अभय जी, अंजना जी, देखिए राहुल गांधी, आप लोग अब ये मान रहे हैं क्या कि राहुल गांधी को ऑपोजिशन के तमाम नेता स्वीकार्य कर लेंगे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब चुनाव के मद्देनजर? राहुल गांधी जी ये चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि विचार नेतृत्व करें, नीतियां नेतृत्व करें, व्यक्ति के नेतृत्व से व्यक्ति केंद्रित राजनीति में वो आस्था नहीं रखते। ये आरोप हम पर हमेशा लगते रहे, 2004 को उठाकर देख लीजिए जब सोनिया जी के नेतृत्व में हम सरकार में आए, क्या समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने पहले सहयोग किया था या साथ आए थे? नहीं थे कोलिशन पार्टनर वो, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जब सरकार बनी तो सब लोग साथ आए। लेफ्ट ने हमको वेस्ट बंगाल में हमारे साथ नहीं थे, वो पंजाब में और आंध्र प्रदेश में हमारे साथ थे, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद साथ आए। तो ये समीकरण चुनावों के बाद व्यापक रूप से बनता है। राहुल गांधी जी कहते हैं समान विचारधारा के लोग जहां जो मजबूत हैं दृढ़ता से लड़ें, ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है और नीतियों को नेतृत्व में वो आस्था रखते हैं, व्यक्ति केंद्रित। गौरव जी, एक कमेंट इस पर जल्दी से। अगर विचारधारा की लड़ाई है तो वो कह रहे हैं कि दूसरी विचारधारा आपको टक्कर देने के लिए 24 में तैयार है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का मतलब कंफ्यूजन, और राहुल गांधी किसी को स्वीकार्य नहीं है कि वो नेता बने पूरे महाठगबंधन के। अंजना जी आप खुद बताइए, क्या ये सही नहीं है कि आज भी बजरंग बली और भगवान राम दोनों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन आज बजरंग बली बोलना इनकी राजनीतिक जरूरत है? हम तो दिल से कहते हैं मिल गया, आज दरकिनार करके और भगवान राम का अपमान करके परिणाम दिया ना जनता ने भैया, बजरंग बली जी के नाम पर। आज गुस्सा में ये जो दुष्प्रचार किया बजरंग बली जी ने, गदा घुमा कर ऐसा दिया है कि चारों खाने चित हो गए, अभी फिर भी बजरंग बली के नाम पर दुष्प्रचार। अब ये तो उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी से गौरव जी के पीछे भी वहाँ मूर्ति लगी हुई है सबके। बजरंग बली ने इतना तो साबित कर दिया है कि वो सबके हैं, किसके हैं नहीं है, अब देश तय करेगा 24 में। लेकिन यहां से कर्नाटक के नतीजे के बाद अभी कुछ राज्यों में भी चुनाव है, जिसमें तेलंगाना भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, सबकी नजर आएगी इन राज्यों के नतीजों पर भी।